उमरिया में मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आह्वान किया गया है। कर्मचारी संघ की मांग है कि उनके लिए जो साप्ताहिक अवकाश के आदेश निकले थे उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी संघ की मांग है कि उनके लिए जो साप्ताहिक अवकाश के आदेश निकले थे उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। बीट निरीक्षण के नाम पर वसूली और 24 घंटे काम करने के बाद भी नेशनल पार्क भ्रमण, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कर्मचारी को प्राथमिकता नहीं दिए जाने पर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना जिसके कारण कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिल रहा है कुशल वेतन, सुरक्षा कर्मियों की कमी, जनहानि, जन घायल की घटनाओं की बढ़ोतरी, प्रबंधकों का ध्यान न देना, इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही। वन कर्मचारी संघ जिला उमरिया शाखा बांधवगढ़ के द्वारा आजाद संघ, दैनिक श्रमिक प्रकोष्ठ संघ से समर्थन मांगा था और आजाद संघ के द्वारा समर्थन दिया गया है कि सुरक्षा श्रमिकों का लगातार शोषण हो रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश दैनिक श्रमिक प्रकोष्ठ संघ जिला उमरिया 10/6/2024 को धरना पे बैठेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। गोकर्ण सिंह परस्ते है, मैं जिला आजाद संघ में जिला सचिव में हूँ और विभाग में वनरक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। तो श्रीमान जी, हमने सुना है कि 10 तारीख को आप लोग धरने पर जा रहे हैं, तो किस विषय को लेकर के आप धरने पर जा रहे हैं, क्या कारण है? हमारे संघ साथ में तो विभिन्न मांगे हैं उनकी, जिनकी आज तक पूर्ति नहीं हुई है। इतनी परेशानी जाती फील्ड में अपन रहते हैं, कैसे झेलते हैं, क्या होता है। मुख्यतः मांगे ये है कि जो हमारे यहाँ जैसे फील्ड में रहते हैं अपने वन रक्षक लोग, उनके फैमिली, अब वो कहाँ पढ़ाए लिखाए, तो लाइन क्वार्टर पहली जरूरी है ताकि फैमिली यहाँ रह के पढ़े, हम जंगल में निश्चिंत होकर ड्यूटी करें। दूसरी मांगे क्या है कि जो फैमिली भी हमारी, जैसे रेलवे अपने सभी को फ्री में पास देता है, हमको तो एक दिन भी जाने नहीं दिया जाता है कि हम अपनी फैमिली ले जाकर घुमा लाए अपने फैमिली को। इस तरह अन्य कई मांगे हैं मान्यवर, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रबंधन इस पर विशेष ध्यान दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ति करे। और मैं इसके साथ इतना ही कहना चाहूंगा, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। राम नरेश प्रजापति, जिला महासचिव आजाद उमरिया। जो वन कर्मी सर धरने पर 10 तारीख को जाने वाले हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वन कर्मचारियों का विभिन्न मांगे हैं जो जायज है, आजाद संघ इनके मांगों का समर्थन करता है और धरना प्रदर्शन के दौरान जाग संघ उनके साथ खड़ा रहेगा और संघ चाहता है कि बांधवगढ़ प्रबंधन उनके मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करें। तमकोल, किस पद पे आसीन है आप? वन कर्मचारी संघ का मीडिया प्रभारी हूँ। तो 10 तारीख को हमें पता चला कि आपके वन कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, देखिए हम समय समय पर अपनी मांगों को लेके बांधवगढ़ प्रबंधन को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक बांधवगढ़ प्रबंधन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसके लेकर संघ 10 जून 2024 को कलेक्टर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन में बैठेगा और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेगा। और हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन को सूचित करना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जान जिम्मेदारी जो बांधवगढ़ प्रबंधन की होगी और किसी की नहीं होगी। जय भीम।